अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फार्मूले काम करना बंद कर देते हैं। तो कैसे, जैसा ये है कि मेरे पास ये कुछ एंट्रीज लिखी हुई हैं, ये आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, तो ये मैं इनको ज़रा सम लगाता हूँ, फार्मूला देखते हैं क्या करता है। ये मैंने लगाया सम और इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये क्या हुआ, ये आ गया एरर। ये क्यों आया, ये इसलिए आया कि यहाँ पे 100 के साथ ये इसकी तादाद लिखी हुई है नंबर्स, और ये आरएस लिखा हुआ है 20 के साथ। तो ये जब हम लगाएंगे तो ये इसी तरह ही मसला बनेगा। तो इसका एक सवाल ये होता है कि हम अलग अलग कॉलम बना लें, उसमें ये क्वांटिटी अलग लिख लें, साथ में ये नंबर्स अलग लिख लें, या उसके केजीज लिख लें, और ये रेट वगैरह जो है इनके साथ आरएस अलग से कॉलम लगा लें। या एक और इसका दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं एडवांस्ड, तो वो क्या है जी, यहाँ पे पहले हम इनसे ये नंबर्स ख़त्म करते हैं, सारे सेल से हम ख़त्म कर देते हैं साथ लिखे हुए नंबर्स। इस तरह ये आरएस भी ख़त्म किया, इसको भी साथ में आरएस ख़त्म किया, इसको भी आरएस ख़त्म किया, यहाँ से भी आरएस को ख़त्म किया। अब ये देखें ना, जैसे ही हमने उनको ख़त्म किया तो ये इसका आ गया है 2000 मल्टीप्लाई हो गया। हम यहाँ पे जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पे जाके हम जाते हैं कस्टम पे, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं, तो हम इसको ख़त्म करेंगे, कस्टम पे जाके हैश लिखेंगे, उसके बाद डबल कोट्स, उसके बाद हम लिख देंगे नंबर्स, और इसको फिर डबल कोट्स से बंद किया, तो यहाँ पे हम डाल देंगे स्पेस। अब इसको ओके करेंगे तो ये देखें जी, सबके साथ आ गया नंबर्स। अब ये फार्मूला भी हमारा काम कर रहा है, और इसी तरह इसको सिलेक्ट किया, इसके साथ हम अगर रेट चाहते हैं तो इस पर हम गए फार्मेट सेल पे, और यहाँ से कस्टम पे चले गए। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको दिखाना है आरएस, तो पहले हम लिखेंगे आरएस, ये डबल कोर्स के साथ आरएस लिखेंगे, और डबल कोर्स को बंद किया और स्पेस डाल के हैश लिख देंगे, क्योंकि हैश जो है उसको नंबर को काउंट करता है। ये भी आ जाए, अब आ गया। अब इस फार्मूले को हम कंट्रोल डी करते हैं तो देखें ये सारा फार्मूला काम कर रहा है। अच्छा, तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको? अच्छा, तो एक और गुजारिश थी कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दें।